सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इंडियाज बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर आई टी जेई केमिस्ट्री एडवांस्ड एंड हियर आई एम विद द सॉल्यूशंस ऑफ पेपर टू ऑफ जेई एडवांस 2017 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन टू ऑफ द पेपर। इससे पिछले सेक्शन में, इसके पिछले वीडियो में हमने सेक्शन वन डिस्कस किया और हम हर वीडियो सेक्शन वाइज बना रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2017 पेपर। ओके, बहुत ही इलैबोरेटेड वे में आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। मोस्ट ट्रस्टेड और मोस्ट इलैबोरेटेड एक्सप्लेनेशंस आपको इधर ही मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। यू कैन कंपेयर, बाकी सभी सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर ओपन, और आप हमारे सॉल्यूशंस के साथ चीज़ों को कंपेयर करिए, यू विल योरसेल्फ फील द डिफरेंस। एंड फॉर कंप्लीट कोर्सेस you have to install chem iit app, there you will get complete inorganic physical and organic chemistry courses along with problem solving sessions that will be really helpful for you guys for your JEE advanced preparation. And if you want to solve quality problems, you must follow our real JEE advanced question series. रियल जेई एडवांस क्वेश्चन सीरीज यूट्यूब पर 105 पार्ट्स अवेलेबल हैं, आप इनको ज़रूर फॉलो करो। अगर आपका सिलेबस हो गया है, अगर आप क्वेश्चंस के सर्च में हो, तो आपको इनसे बेहतर क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, इनसे बेहतर क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, यू मस्ट ट्राई दीज। एंड फॉर 2025 स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग अवर फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। फिजिकल केमिस्ट्री फ्रेश हम शुरू कर रहे हैं 2025 स्टूडेंट्स के लिए, और उसकी जो प्री रिक्विजिट है मैंने पुराने वीडियो में बताई है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। क्योंकि जो शुरू के चैप्टर्स हैं, मोल कंसेप्ट, कंसंट्रेशन, रेडॉक्स एंड आइडियल गैसेस, इतना आपको पहले से पढ़ के आना है। वी विल स्टार्ट अवर लाइव क्लासेस फ्रॉम रियल गैसेस। ओके, तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं ये सेक्शन। और इस सेक्शन में कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे पिछले सेक्शन में हमने देखा कुछ इजी क्वेश्चंस थे, है ना, मतलब अगर 7-8 क्वेश्चन थे सेक्शन में, तो उसमें से 3-4 इजी क्वेश्चन थे। बट इस सेक्शन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और हो भी क्यों ना, ये वन और मोर देन वन करेक्ट है। तो ये जो मोर देन वन करेक्ट चॉइसेस होते हैं, यही जेई एडवांस की मतलब असली जो होता है ना पेपर में जो फ्लेवर डालता है, वो यही है, मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, और ये ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। और अगर आप कॉन्सेप्चुअली बहुत साउंड हैं, अगर आपको अच्छे से चीज़ें आती हैं, तभी आप अच्छे से कर पाओगे इनको, नहीं तो ये रट्टुओं का ना बिल्कुल अच्छे से नेगेटिव मार्किंग होता है रट्टुओं का मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, तो चलो देखा जाए एक एक क्वेश्चन। सो दिस द फर्स्ट क्वेश्चन, ये शायद आसान है, सरफेस केमिस्ट्री का है। चलिए फिर भी डिस्कस करते हैं, क्या पता एक आध स्टेटमेंट अच्छा निकल कर आ जाए। एड्सॉर्प्शन इज एकम्पेन्ड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। यस, इट्स ट्रू, जब आप एड्सॉर्प्शन कराते हैं तो देर इज काइंड ऑफ अट्रैक्शन, एंड वेन एवर देर इज अट्रैक्शन देर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल गो डाउन, एंड सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग डाउन दैट मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड, सो देर इज डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड ऑल्सो मोर रैंडम पार्टिकल्स विच वर मूविंग हियर एंड देयर नाउ दे आर गेटिंग अक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट। They are getting accumulated on the surface of the adsorbent, which also results in the decrease of entropy of the system. So that this is very true. Okay, this is very true. Simple statement. ये तो आप आराम से partial marking इसमें ले सकते हैं। तो देखो, जिस भी statement में अगर आप paper देते समय, मैं बता रहा हूँ अभी, तो सभी चीज़ को अच्छे से समझना है। Exam देते समय जब भी more than one correct आप attempt करें, आपको अगर confusing लग रहा है statement, मत लो risk। पार्शियल मार्किंग भी आपको बेनिफिट अच्छा खासा दे देता है। ठीक है,
तो अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है, इफ यू आर नॉट 90% श्योर, 90% श्योर हो तो ठीक है, चलता है, कर सकते हो आप। अगर आप 90% से कम श्योर हो तो मत लो रिस्क, ठीक है, वो गलत ही होगा फिर आपका। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, क्रिटिकल टेम्परेचर्स ऑफ इथेन एंड नाइट्रोजन आर दिस एंड दिस। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब अबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड, एंड इफ क्रिटिकल टेम्परेचर इज हायर दैट मीन्स गैस कैन बी लिक्विफाइड टू अ मोर रेंज ऑफ टेम्परेचर, अप टू अ मोर रेंज ऑफ टेम्परेचर गैस कैन बी लिक्विफाइड, दैट सिंपली मीन दैट लिक्विफिकेशन ऑफ दैट गैस इज ईजियर इफ इट इज हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। अंडरस्टूड, यही पढ़ा है हमने लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन बिकम्स ईजियर का क्या मतलब है, अट्रैक्टिव फोर्सेज आर बेटर इन दैट पर्टिकुलर गैस विच हैज हायर वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, अट्रैक्टिव फोर्सेज आर बेटर इन दैट पर्टिकुलर गैस। और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज बेटर होते हैं तो आपको पता है कि एड्सॉर्प्शन भी बेटर होता है, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बेटर होते हैं तो एड्सॉर्प्शन भी बेटर होता है। तो चलिए आइए, क्योंकि एड्सॉर्प्शन में भी वही होना है, गैस की लेयर है वही अपने मॉलिक्यूल्स को फिर से अट्रैक्ट कर रही है वाया द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो यहाँ पर इथेन जो है ऑब्वियसली क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा बताया गया है उसका, सो एड्सॉर्प्शन ऑफ इथेन विल बी मोर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन ऑन द सेम अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एट अ गिवन टेम्परेचर। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा वो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा सिमिलर कंडीशन में। देन क्लाउड इज अ टाइप ऑफ इमल्शन, इज एन इमल्शन टाइप ऑफ कोलॉइड। ना ना, अब ये तो एक टेबल दिया हुआ है जहां पर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, जहां पर आपको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे बताया गया है कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो क्लाउड तो इमल्शन में नहीं आता है, शायद एरोसोल में आता है, ये एरोसोल में आता है ना, और एरोसोल में लिक्विड में गैस डिस्पर्स्ड होता है, इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड फेज एंड गैस इज द डिस्पर्जन मीडियम। नहीं नहीं, ये तो इमल्शन के बारे में बता रहा है, ये एक्चुअली एरोसोल में आता है, आप देख लीजिएगा, ये तो डायरेक्ट फैक्ट है, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रू। देन ब्रोनियन मोशन, ओ ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है, बच्चे पढ़ते समय भी इसको एकदम फटाक से स्किप मारते हैं और पढ़ाते समय भी काफी स्किप मारा जाता है, जिगजैग मोशन बोल के निकल जाती है बातें। तो चलिए देखिए, सो द ब्रोनियन मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स, गलत बात है ये, बट डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, विस्कोसिटी पे तो डिपेंड करता है बट साइज पे भी डिपेंड करता है, मैं थोड़ा ढंग से इलैबोरेट करता हूँ, स्टेटमेंट तो गलत है बट इसको थोड़ा ढंग से इलैबोरेट करना बनता है। देखिए, ब्रोनियन मोशन है क्या, वो पॉलन ग्रेन वाला एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो ब्रोनियन मोशन में पार्टिकल्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं डिस्पर्जन मीडियम के, अभी हम कोलॉइड पार्टिकल्स की बात करते हैं, डिस्पर्जन मीडियम है और डिस्पर्जन मीडियम मान लो पानी है सपोज करो, तो पानी के मॉलिक्यूल्स को इमेजिन करो, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दीज आर सपोज वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और कोलॉइड पार्टिकल्स हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल्स से ऑब्वियसली बड़े साइज के होंगे। तो चलिए ये हम बना लेते हैं कोलॉइड पार्टिकल्स, दिस ग्रीन वंस आर कोलॉइडल पार्टिकल्स, ध्यान से समझिएगा भाई। तो देखो क्या होता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर अ नॉर्मल माइक्रोस्कोप ऑल्सो, दे कैन बी सीन एंड दे हैव बीन seen undergoing a zigzag kind of motion and that proves that there is existence of molecules. Yes, so this is one of the we can say proof that molecules do exist
because they are moving like this. We cannot see the molecules, na? We cannot see the molecules properly. Via a normal microscope, we cannot see the molecule, but we can see the colloidal particles. And what we see is colloidal particles are moving like this. Colloidal particles are undergoing a random kind of motion, and this is possible only when the colloidal particles are colliding with something. They are colliding with something, and we have water molecules here present which may collide with the colloidal particles. तो zigzag motion उसकी तब होती है जब पानी के molecules के साथ वो colloidal particles टक्कर खा सके. तो अभी यहां पर दो बात आती है. देखिए, अब Brownian motion ज्यादा, यहां पे statement क्या बोला, statement बोल रहा Brownian motion. तो Brownian motion बोलने का मतलब है कितना zigzag होगा. जब हम बोलते हैं Brownian motion better हो रहा है, इसका मतलब ये है zigzag motion better हो रहा है, ज्यादा रैंडम मोशन हो रहा है. दैट मींस कि हाँ, Brownian मोशन ज्यादा हो रहा है. मीनिंग तो यही होती है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं. अब यहां पर एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जब पार्टिकल का साइज बढ़ जाता है तो एक तरीका ये देखने का है, पार्टिकल मतलब ये वाले पार्टिकल का, तो एक तो ये तरीका है कि पार्टिकल का साइज बढ़ने से उसका स्पीड जो है ना, वो भी थोड़ा कम हो जाता है. जो मोशन है वो थोड़ा कम हो जाता है. अब मास बढ़ गया, साइज बढ़ गया, तो बोल लो मास बढ़ गया, तो उसका स्पीड भी थोड़ा कम हो जाता है. तो जो जिगजैग मोशन है वो नाउ इट इज लेस रैंडम, यू कैन से. सो Brownian मोशन थोड़ा घट गया, ऐसे बोला जाता है. दूसरी बात, जब साइज बढ़ जाता है ना, अगर ये एक गिवन साइज से बड़े हो जाएंगे, जैसे मान लो हम हैं, ठीक है, हम हैं, हमको एक पार्टिकल की तरह मानो, कोई बड़ी बात तो है नहीं. कोलोइडल पार्टिकल कुछ नैनोमीटर्स के हैं और हम कुछ मीटर्स के हैं, यही बात है, ऐसे सोचो. तो जब आप पानी के मॉलिक्यूल, मतलब पानी के अंदर आप एंटर करते हो और आप सीधा चलने की कोशिश करते हो, पानी के अंदर आप एंटर कर रहे हो, आप सीधा चलने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या ऐसे 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 ऐसा डोल डोल के चलते हो क्या? ऐसे चल रहे हो, फिर इधर हो जाते हो, फिर इधर हो जाते हो, फिर इधर हो जाते हो, ऐसा तो नहीं करते अपन, है ना? अपन अगर होश में है तो सीधा ही चलते हैं, बिल्कुल चल पाते हैं. क्यों? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर इनकेपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग अस और फोर्सिंग अस डूइंग zigzag मोशन. तो पानी के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमें zigzag मोशन करा दें. तो वैसा ही कुछ यहां भी है, जब पार्टिकल का साइज बढ़ेगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स इनकेपेबल हो जाएंगे उनकी zigzag मोशन कराने में, बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं कर पाएंगे उनके पाथ को. और इस वजह से भी ये कहा जाता है कि पार्टिकल की साइज बढ़ गई तो Brownian मोशन घट गया. आप और कहीं भी देखो, ये Brownian मोशन पे ऐसी बातें नहीं होती हैं यार. अब जाओ देखो, जितने सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, जो भी नाम है, बड़े इंस्टीट्यूट, ये फलाना ढिमकाना जो भी है, है ना, अब जाके देखिए जरूर एक बार. बस बोले हाँ, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, वो कोट पैंट पहन के आ जाएंगे, बस उससे कुछ नहीं होता. मेरी बात समझो, है ना, मेन होती है कि भाई क्वालिटी क्या है पढ़ाने की, सब्जेक्ट को कितने ढंग से आपको दिया जा रहा है वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज आपको काम आने वाली है, ठीक है. तो भाई समझ आ गई बात. और दूसरी बात है, विस्कोसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा? तो यार देखो, अब अगर इसको डिस्प्लेस करना है तो पानी के मॉलिक्यूल्स भी को भी तेज चलना पड़ेगा ना. पानी के मॉलिक्यूल्स भी तेज चलेंगे तो वो बेटर कोलिजन कर पाएंगे विद द कोलॉइडल पार्टिकल्स. तो अगर विस्कोसिटी बढ़ गई तो फिर Brownian मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स, zigzag मोशन या Brownian मोशन घट जाएगा. ये बात भी समझ आ गई होगी आपको, ये घट जाएगा, ओके. तो ये ऑप्शन, ये भी गलत है, आपको समझा दिया साइज बढ़ने से क्या होता है पार्टिकल की और सॉल्यूशन की विस्कोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है. अच्छा क्वेश्चन था, बुरा नहीं था ये, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है. इसमें पहला स्टेटमेंट आसान है, दूसरा भी ठीक ठाक आसान है,
तीसरा स्टेटमेंट तो सीधा फैक्ट है, चौथा स्टेटमेंट यहां पर मैं बोल सकता हूं अच्छा स्टेटमेंट था। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये दिमाग खराब करके रख देगा, कंफ्यूजिंग सा है काफी, इसको पढ़ना समझना कंफ्यूजिंग सा है। देखो क्या बोल रहा है, फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ कंटेनर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंट्रोपी इज डिस्क्राइब्ड बाय। चार स्टेटमेंट है, चारों में करेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस। अच्छा, तो आपको ये तो पता है ना, वॉन्टहॉफ इक्वेशन, लॉग के टू बाय के वन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच डिग्री बाय आर वन बाय टी टू माइनस वन बाय टी वन। यहां से हम ये बता पाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर के का क्या होगा फॉर गिवन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो T2 बढ़ा दिया, मान लो मैंने T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो T2 इज ग्रेटर देन T1। इसका भी एक्सप्लेनेशन थोड़ा टफ है, समझिएगा सुनिएगा तो समझ में आएगा अच्छे से, फील नहीं करना है, मैथमेटिकली क्वेश्चन को थोड़ा सा डील करना है, ठीक है, मैथमेटिकली डील करना है तभी समझ आएगा। सो टी टू ग्रेटर देन टी वन अगर मैंने किया तो वन बाई टी टू छोटा हो जाएगा, तो ये टर्म नेगेटिव बना हुआ है, ये नेगेटिव बना हुआ है, ओके। और अगर डेल्टा एच डिग्री, सिंस मेरे पास यहां पर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच डिग्री नेगेटिव है, डेल्टा एच डिग्री नेगेटिव है, और डेल्टा एच डिग्री अगर नेगेटिव है दैट मीन्स डेल्टा एच डिग्री अगर नेगेटिव है सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा यार, डेल्टा एच डिग्री नेगेटिव है तो लॉग के टू बाई के वन, के टू बाई के वन पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर शायद मैंने माइनस साइन गलत लिख दिया, यहां माइनस साइन नहीं आता है शायद, एक बार वॉन्ट ऑफ इक्वेशन को देख लो, डिराइव करते समय ठीक रहता है, वहां माइनस साइन नहीं, माइनस साइन तो रहता है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, यहाँ लॉग बेस ई ही है। सो लॉग बेस ई के टू बाई के वन इज इक्वल्स टू दिस, तो वन बाई टी टू, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो वन बाई टी टू तो छोटा टर्म है तो ये तो नेगेटिव हो गया। अच्छा ठीक है ना यार, ये नेगेटिव है ना, ठीक तो है यार, ठीक है, ठीक ठीक सॉरी। सो लॉग के टू बाई के वन, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो लॉग के टू बाई के वन नेगेटिव होगा, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव दिख रहा है, सिंपल, एंड लॉग के टू बाई के वन नेगेटिव होगा, और इसके नेगेटिव होने का मतलब है कि के टू जो है वो छोटा है, क्लियर है ये बातें, के टू जो है वो छोटा है, यानी कि के की वैल्यू घट गई है। ये आप ली चार्टले प्रिंसिपल से भी डायरेक्ट देखते हैं और वॉन्ट ऑफ इक्वेशन से भी देख सकते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस, बस दिक्कत यहां शुरू होती है ये स्टेटमेंट्स जो है, बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज पॉजिटिव। अच्छा चलो देखें, तो देखो डेल्टा एच को आपको देखना पड़ेगा, आपको ये रिलेशन से रिलेट करना पड़ेगा। सर इससे ही क्यों किए, अभी समझाते हैं। देखिए क्या आपको ये रिलेशन बहुत अच्छे से पता है, डेल्टा एच सिस्टम बाय टी, बिल्कुल डेल्टा एच सराउंडिंग के लिए ये आपको पता है, ठीक है। अभी देखो, सिंस यहां पर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हो और आपने देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में K2 less than K1 आता है, कब आता है, जब डेल्टा एच को आप नेगेटिव रखते हो, तो वही डेल्टा एच को नेगेटिव आप यहां रख के देखो और फिर टेस्ट करो कि डेल्टा एच सराउंडिंग का क्या हो रहा है। समझ आया, ये दोनों कनेक्टेड हैं पॉइंट्स।
लगता है, क्योंकि अरे यार ये स्टेटमेंट और दूसरे बिकॉज वाले का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। और जो नॉर्मल एक्सप्लेनेशंस भी जितने भी यूट्यूब वगैरह में अवेलेबल होंगे आप ज्यादातर केसेस में पाओगे, ऐसे ही बताते हैं, वो स्टेटमेंट अलग सा लगता है, ये स्टेटमेंट अलग सा लगता है, फिर लगता है अरे यार ये बिकॉज क्यों आ गया, ये बिकॉज क्यों आ गया, ऐसे ही लगता है। रिलेशन ही क्या है दोनों में? है रिलेशन, ध्यान से देखो, अगर आप वांट ऑफ इक्वेशन से देखोगे तो रिलेशन है, क्योंकि पहले केस में क्या बोल रहा है कि के की वैल्यू डिक्रीज हुई। अच्छा, के की वैल्यू डिक्रीज कब हुई? जब आपने डेल्टा एच को नेगेटिव रखा। तो यहां भी डेल्टा एच को डेल्टा एस के साथ, डेल्टा एच को डेल्टा एस के साथ कोई रिलेशन बताओ जहां आप इसको नेगेटिव रखोगे, क्योंकि इसको नेगेटिव रखने पर ये आया है। तो आप देखो कि इसका क्या हो रहा है, फिर देखो कि इसका क्या हो रहा है। ऐसे मैथमेटिकली डील करना पड़ेगा, ना कि फील करना है। फील वील नहीं होता, ठीक है, ये फील वील नहीं होता। जिनको कुछ नहीं आता है वो इनको फील करवाएंगे आपको, और आप भी बेवकूफ बनते रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो बताओ बेटा, जब ये नेगेटिव है, अरे ये मेरे को नेगेटिव पॉजिटिव में ना बड़ा दिक्कत होता है यार, कहीं नेगेटिव छूट जाता है, ये हो जाता है, थोड़ा केयरफुली करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। चलो, कहां था मैं था बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। अच्छा, तो बेटा जब ये नेगेटिव है तो माइनस माइनस ये तो पॉजिटिव होगा, और टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये मोर पॉजिटिव होगा। अगर ये मोर पॉजिटिव होगा, अरे भाई सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ रही है। सराउंडिंग की एंट्रोपी कैसे बढ़ती है? जब सिस्टम से उसको हीट मिला होगा। सराउंडिंग की एंट्रोपी ऐसे बढ़ती है जब सिस्टम से उसको हीट मिलता है, और अगर सिस्टम ने हीट दिया है तो सिस्टम की एंट्रोपी तो घटेगी ना, सिस्टम की एंट्रोपी तो घटेगी। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज पॉजिटिव, गलत बात, गलत बात, समझ आ गया होगा, ऐसे ही चेक करना है। अब चलो आगे देखें, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस। वॉन्ट ऑफ इक्वेशन से देख लीजिएगा, बिल्कुल ये आ जाएगा, पता भी है आपको, याद भी होगा, तो अब मैं फिर से नहीं बताने वाला। लॉग के टू बाई के वन पॉजिटिव आएगा अगर एंडोथर्मिक है तो। तो एंडोथर्मिक में आपने डेल्टा एच क्या रख के पॉजिटिव पाया? डेल्टा एच को पॉजिटिव रखा तब ये पॉजिटिव मिला, ठीक है। तो अब इसी में आओ, डेल्टा एच सराउंडिंग, क्योंकि उसने डेल्टा एस के साथ रिलेट करवाया है। तो डेल्टा एच सिस्टम बाय टी, अगर इसको देखा जाए तो अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। ओके, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, एंड सिंस दिस इज पॉजिटिव, सो ये एक नेगेटिव टर्म हो जाएगा अपॉन टी। तो बेटा जब आप टी को बढ़ाओगे, क्या आपको समझ आ रहा है कि ये लेस नेगेटिव होने लगेगा? जब आप टी को बढ़ाओगे तो डेल्टा एस सराउंडिंग लेस नेगेटिव होने लगेगा, और नेगेटिव होना अनफेवरेबल चेंज है एंट्रोपी का, पता है आपको ना, लॉ तो पता है कि एंट्रोपी बढ़ना चाहती है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी का जनरल मतलब होता है कि एंट्रोपी कम होना। तो देखो यहां पर स्टेटमेंट कैसे फ्रेम किया गया, अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी मतलब नेगेटिव होना, डिक्रीजेस मतलब लेस नेगेटिव होती जा रही है। उसको देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड अंदाज में लिखा है, लेस नेगेटिव होती जा रही है। अनफेवरेबल चेंज मतलब नेगेटिव चेंज कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो लेस नेगेटिव होते जा रही है। जी हां, ऐसा हो रहा है, और ये बिकॉज भी सही फिट बैठता है, तो ये ऑप्शन सही है। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो समझ आ गया होगा। अब आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट, सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस, सही स्टेटमेंट है, ऊपर वाली बात है। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि डेल्टा एस सराउंडिंग कुछ भी हो जाए नेगेटिव ही रहेगी, और अगर डेल्टा एस सराउंडिंग नेगेटिव है तो सिस्टम की नेगेटिव नहीं हो सकती, कैसे होगी? सिस्टम की भी नेगेटिव हो जाएगी तो फिर वो रिएक्शन फीजिबल ही नहीं है। ओके, वो रिएक्शन फीजिबल ही नहीं है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर, ये तो सही है वांट ऑफ इक्वेशन से,
बट फिर वही बात, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाय टी, ऐसा लिखा हुआ है. फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी, एंड एक्सोथर्मिक है तो ये नेगेटिव किया मैंने तो ये पॉजिटिव बाय टी आया. पॉजिटिव मतलब फेवरेबल, और टी अगर बढ़ेगा तो ये टर्म कम होगा. मैथमेटिकली देखना है, फील नहीं करना है गधों की तरह. तो फेवरेबल चेंज सराउंडिंग का डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है, तो देखो ये पूरे पेपर का रस ना इसी वीडियो में है, इसी सेक्शन में है, सेक्शन बी में. अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको भी देखते हैं. केमिकल काइनेटिक्स, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, कोलिजन थ्योरी. YouTube पर अवेलेबल है ये टॉपिक मेरा, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मजा आ जाएगा आपको कोलिजन थ्योरी पढ़ के. ठीक है, बहुत ही बेहतरीन थ्योरी है ये. चलिए आइए, एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है. स्टेरिक फैक्टर वॉज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टू बी 4.5. नाउ दीज आर द फोर स्टेटमेंट्स एंड वी हैव टू वेरीफाई कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है. तो इसके लिए थोड़ा मेरे को स्पेस चाहिए होगा, मैं इधर यूज करता हूँ. ठीक है, अब आपको देखिए ये बात पता है ना, ये बात आपको पता है कि जो K की वैल्यू है कोलिजन थ्योरी से निकाली जाती है. किसकी वैल्यू? K की वैल्यू कोलिजन थ्योरी से निकाली जाती है. और बताया गया था कि K दो फैक्टर है, एक एनर्जी बैरियर वाला फैक्टर है, एनर्जी बैरियर वाला फैक्टर है, दैट इज अपना एक्सपोनेंशियल पार्ट कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे एनर्जी बैरियर को, एक ये वाला फैक्टर है. और एक फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर है, एक फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज जेड ए बी, कितने कोलिजन हो रहे हैं यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट सेकेंड में, ये वाला फैक्टर था. और ये था थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड के का वैल्यू, ये था प्रेडिक्टेड के का वैल्यू. लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में के एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्टेड ज्यादा आ रहा था, प्रेडिक्टेड जो था ना वो ज्यादा आ रहा था मोस्ट ऑफ द केसेस में. फिर इसका रीजन ये बताया गया था कि देखो जो कोलिजन हो रही है ए और बी के बीच में, तो इफेक्टिव कोलिजन को हमको सिर्फ काउंट करना है, कहीं से भी कोई भी कोलिजन हो जाए वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं है कि वो प्रोडक्ट दे देगा. मैं शॉर्ट में बता रहा हूं ये बातों को, ठीक है, वो प्रोडक्ट दे देगा, इफेक्टिव नहीं है वो कोलिजन. और इसीलिए इस फॉर्मूले में बोला गया यार कि देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो रहा है कि के एक्सपेरिमेंटल लेस देन आ रहा है के प्रेडिक्टेड से. इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जब प्रेडिक्ट किया है ना तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर में हमने हर तरह के कोलिजन को मान लिया है, बट एक्चुअली में वो जो 100 तरह के कोलिजन हमने माने हैं उसमें से सिर्फ 5-7 तरह के ही कोलिजन होंगे. फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, 5-7 तरह के कोलिजन ही होंगे जो इफेक्टिव होंगे, जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड कर रहे होंगे. और इसी वजह से यहां पर एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, एंड दैट वॉज एक्चुअली स्टेरिक फैक्टर. तो यहां पर स्टेरिक फैक्टर फिर इंट्रोड्यूस किया गया, एंड द मोमेंट यहां स्टेरिक फैक्टर आया, अब ये जो फॉर्मूला बन गया, दिस इज नॉट के प्रेडिक्टेड, एक्चुअली दिस इज के एक्सपेरिमेंटल. अब क्योंकि स्टेरिक फैक्टर कैसे आया, अब स्टेरिक फैक्टर निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा देखे, थ्योरेटिकल जो वैल्यू आ रही थी उसको देखे, देखा गया कितना डेविएशन हो रहा है, और उस डेविएशन के हिसाब से यहां बस स्टेरिक फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया गया. बस डेविएशन देखे और जो डेविएशन था उसके हिसाब से स्टेरिक फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया गया. तो यही तरीका था के को एक्सपेरिमेंटली निकालने का, निकाले और फिर ऐसा करके फॉर्मूला बना दिया गया. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आ रहा है. अच्छा, ये आने का मतलब क्या बेटा, कि जो स्टेरिक फैक्टर है, वो कैसा होगा, लेस देन वन होगा, तभी हो सकता है ऐसा, क्योंकि आप स्टेरिक फैक्टर तो मल्टीप्लाई कर रहे हो. आपका के प्रेडिक्टेड था ये,
प्रेडिक्टेड मतलब थ्योरेटिकल, ठीक है, प्रेडिक्टेड मतलब थ्योरेटिकल, क्या बोल रहा हूं मैं, समराइज करता हूं, यहां पे काफी कचड़ा जैसा हो गया था, एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं। के प्रेडिक्टेड के समय उन्होंने कहा सिर्फ दो चीजें, एनर्जी फैक्टर इंटू जेड ए बी कोलिजन फैक्टर, बट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली पाया तो ज्यादातर केसेस में वैल्यू एक्सपेरिमेंटल छोटी आ रही थी, तो उन्होंने स्टेरिक फैक्टर पी मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी इंटू जेड ए बी, कुछ इस तरह से ये एक्सपेरिमेंटल आया। तो मैंने बताया आपको कि यार 100 में से 7-8 कोलिजन्स ही सही है, तो ये पी की वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में लेस देन 1 आएगी। सो पी जो है वो लेस देन 1 होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट आपको मैंने पढ़ाते समय बताया था कि देयर आर फ्यू केसेस जहां पी की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है, ठीक है। तो पी जब 1 से छोटा आ रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो आप ये बताओ कि क्या देखने को मिल रहा है, एक्सपेरिमेंटल छोटा दिख रहा है ना प्रेडिक्टेड से, ये बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है आपको। लेकिन अगर पी 4.5 हो जाए एज पर द क्वेश्चन, तो ये भी पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा। चलिए तो पहला पॉइंट यहां ऑप्शंस को देखते हैं क्या बोल रहा है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ हिस्टेरिक फैक्टर, ऑब्वियसली ट्रू पॉइंट। एक्टिवेशन एनर्जी ये मतलब इसको क्या ही समझाएं, तो कॉमन सेंस का पॉइंट है, स्टेरिक फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, वो अलग फैक्टर है कि कितना इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, तो वो तो फिक्स है, ठीक है, वो तो फिक्स है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का स्टेरिक फैक्टर से कोई लेना देना नहीं, कॉमन सेंस बोलूंगा इसको। देन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, अच्छा फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय अरेनियस इक्वेशन। तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर ये किसको कह रहे हैं, ये जो हमने लिखा ना के इज इक्वल्स टू जेड ए बी इंटू एनर्जी वाला फैक्टर, तो ये है तुम्हारा प्रेडिक्टेड, तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसको बोल रहे हैं। और के एक्सपेरिमेंटल में क्या आया, पी भी आ जाता है, पी इंटू जेड ए बी इंटू एनर्जी वाला फैक्टर, तो ये वाले को ये शायद क्या बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी फैक्टर, समझ गए बात, फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसी को बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में पी वाला फैक्टर भी आ जाएगा। तो यार जब पी जो है वो 4.5 है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बड़े नंबर 1 से बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू हाई हो जाएगी, बिल्कुल हाई हो जाएगी, सही बात तो है, क्या दिक्कत है, दोनों तीनों तरीके से आपको समझा दिए, ठीक है। नाउ सिंस पी इज 4.5 द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड अंटिल एन इफेक्टिव कैटलिस्ट इज यूज्ड, बहुत ही गलत बात है ये, अरे यार उम्मीद से ज्यादा रेट कॉन्स्टेंट है इसकी, क्या इसको कैटलिस्ट की जरूरत है, कॉमन सेंस लगाओ, उम्मीद से ज्यादा रेट कांस्टेंट है, कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, धूम धड़ाके से रिएक्शन होगा, कैटलिस्ट वगैरह की कोई जरूरत यहां है नहीं। चलिए देन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये बी का अपोजिट स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियसली गलत है। सो करेक्ट आंसर इज ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, कितने बचे, 29, 30, 31 एंड देन वन मोर क्वेश्चन इज देयर, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। चलिए अब ये तो ये भी अच्छा ही होगा, देखते हैं, अभी तक बढ़िया मजा आया, आपको समझ आया होगा पिछले 3-4 क्वेश्चंस, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए, 1 and 3 फॉलो SN1 मैकेनिज्म, 1 and 3, क्या ये SN1 करते हैं, अरे बिल्कुल करते हैं, बेंजाइलिक है, टर्ड ब्यूटाइल है, SN1 करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी बेसिक, बेसिक मेंस लेवल पे पढ़ते हो। अच्छा 1 and 2 फॉलो SN2 मैकेनिज्म, 1 and 2 फॉलो SN2 मैकेनिज्म। अब देखो अगर आप सस्ते मास्टरों से SN1 SN2 पढ़ रहे हो तो
तो वो बहुत ही फ्लैट तरीके से पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, बहुत ही फ्लैट तरीके से पढ़ाते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उल्टा हो जाता है, फिर बेंजाइलिक एलाइलिक, कार्बोकैटायन स्टेबल है तो कार्बोकैटायन स्टेबल है तो हमेशा SN1 करा दो। ये सब बहुत बेसिक स्तर की बातें हैं, ये नॉर्मल आपको स्कूल के मास्टर्स भी करा देते हैं, तो इसमें कुछ खास रखा नहीं है। बट अगर अपन ने जो आपने ढंग के टीचर से कहीं पढ़ा है, तो आपने जरूर ये पढ़ा होगा कि SN2 में बेंजाइलिक सिस्टम और एलाइलिक सिस्टम जो होता है वो SN2 के ट्रांजिशन स्टेट को इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज करता है। पढ़ा है आपने, अपन ने क्लेडन कटआउट्स पढ़े थे, याद करो बहुत अच्छे से, जो अपन के कोर्सेज में पढ़ रहे हैं उनको तो ये सब बहुत अच्छे से बताया गया। तो याद होगा आपको कि SN2 मैकेनिज्म, एलाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक पोजीशन, SN2 भी बढ़िया से होता है। तो सर क्या होगा, SN1 होगा कि SN2 होगा? अगर आप अभी भी ऐसे सोचते हैं तो फिर आपका स्तर ठीक नहीं है, ठीक है। अरे भाई दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो क्या 1 एंड 2 दोनों में SN2 हो सकता है? अरे ये बेंजाइलिक में SN2 बढ़िया से होता है। और एक बार आप जाके मेरी जो YouTube पर, अगर आप कोर्स में एनरोल नहीं है तो भी जाकर आप YouTube पर मेरी क्लेडन सीरीज है, वहां आप SN1, SN2, E1, E2, E1, CB इतना पढ़ाया गया है, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ाया गया है, तो 7-8 लेक्चर है, आप उनको देखिएगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा SN1, SN2। तो ये जो है बेटा 1 डिग्री है तो हाँ ठीक है, SN2 होगा, बढ़िया होगा। कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, 4 में इन्वर्जन हो सकता है। इन्वर्जन मतलब SN2 देखो हो सकता है, क्योंकि ये जो 2 डिग्री वाला सिस्टम है ये SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है। ना तो SN1 का बहुत अच्छा यील्ड आता है, ना तो SN2 का बहुत अच्छा यील्ड आता है 2 डिग्री में। बट यहाँ 2 डिग्री बेंजाइलिक सिस्टम है ना, तो 2 डिग्री बेंजाइलिक सिस्टम है, तो बेंजाइलिक होने की वजह से SN1 और SN2 दोनों ही अच्छा ये कर सकता है, ठीक है, दोनों ही अच्छा कर सकता है, बेंजाइलिक दोनों के लिए सूटेबल होता है। तो क्या ये इन्वर्जन कर सकता है? नहीं सर ये इन्वर्जन नहीं, ये तो रिटेंशन, ये तो रेसेमाइजेशन करना चाहिए। नहीं, रेसेमाइजेशन की कंडीशन दोगे तो रेसेमाइजेशन भी कर सकता है, इन्वर्जन की कंडीशन दोगे तो इन्वर्जन भी कर सकता है, क्या दिक्कत है? ABC तीनों सही है, सही है। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। अब देखो यहां पर एक अच्छा पॉइंट है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ के समझ आ रहा है, अच्छे से बनाया गया है क्वेश्चन को। मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल 24 के पेपर में भी हमको ऑर्गेनिक के कुछ अच्छे ऐसे कॉन्सेप्चुअल चीजें मिले देखने को, तो मजा आएगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 1, 3 एंड 4, देखो जब आप 1, 3 एंड 4 की रिएक्टिविटी कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे अरे मैं SN1 देखूं कि SN2 देखूं, क्या देखूं? तो बेटा जब आप कंपेयर कर रहे हो तो सबको एक ही ग्राउंड्स में कंपेयर करोगे ना, तो ये तो कॉमन सेंस है कि भाई यहां पर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है 1, 3 एंड 4 के लिए, तो आप सभी को एक ही ग्राउंड्स में कंपेयर करोगे। अब देखो कौन सा रिएक्शन है जो तीनों देते हैं, तो ऑब्वियसली ये 3 डिग्री का एल्काइल हेलाइड है, ये तो SN2 ही दे, सॉरी SN1 ही दे सकता है, ये तो SN1 ही दे सकता है, तो इसका भी SN1 देखो, इसका भी SN1 देखो, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो ये है बेंजाइलिक, ये है टर्ड ब्यूटाइल कैटायन, और ये बेंजाइलिक का 2 डिग्री है। तो अगर फिर से वही बात, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको मैंने ये बात बताई है कि बेंजाइलिक और टर्ड ब्यूटाइल में टर्ड ब्यूटाइल स्लाइटली बेटर होता है बेंजाइलिक से, याद आ रही है बात? टर्ड ब्यूटाइल स्लाइटली बेटर होता है बेंजाइलिक से। आपको HIA एक्सपेरिमेंट्स के डेटास मैंने बताए थे, उसके थ्रू स्लाइटली बेटर होता है, लेकिन अगर थोड़ा भी बेंजाइलिक को अच्छा कर दिया जाए लाइक दिस, तो वो टर्ड ब्यूटाइल से बेहतर हो जाता है। तो ये जो कार्बोकैटायन बनेगा फोर्थ वाला, वो टर्ड ब्यूटाइल कैटायन से अच्छा बनेगा, सो इट शुड बी फोर्थ, सबसे बढ़िया फिर टर्ड ब्यूटाइल होना चाहिए। टर्ड ब्यूटाइल मतलब थर्ड, एंड देन सबसे बुरा कार्बोकैटायन इन तीनों में फर्स्ट है, सो फोर्थ, थर्ड
थर्ड एंड, तो देखो यहां पर ये घुमा के दिया हुआ है, दिस इज नॉट करेक्ट। कुछ लोग कह सकते हैं कि यार नहीं, रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। अबे वो इन जनरल होता है, ठीक है, वो इन जनरल होता है। यहां हाइपर कॉन्जुगेशन अपने एक्सट्रीम पर है, तो हो सकता है कि वो रेजोनेंस को पिछाड़ दे, डेटा काम आता है। फिर भाई अगर आप बेसिक लेवल पे बातें करोगे तो आप यही जपते रहोगे कि हाँ रेजोनेंस अच्छा होता है, फिर ये अच्छा होता है, फलाना अच्छा होता है, ठीक है वो सब बातें, बट थोड़ा यहाँ पर डेटा लगेगा तभी हो पाएगी बात। तो ए बी सी करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये रिपोर्टेड आंसर ए बी सी, ए बी सी एंड डी, डी को भी करेक्ट मान लिया है, राम जाने ऐसा क्यों किया है, बट ठीक है कोई बात नहीं, अपना आंसर ए बी सी है वही सही है। चलिए पिछला क्वेश्चन तो हो गया था ना, पिछला छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा है, दो दो ऑप्शन आंसर यहां इन्होंने मारा है, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज AlCH3 होल थ्राइस हैज थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन द डायमेरिक स्ट्रक्चर, बेसिक केमिकल बॉन्डिंग है, देख लीजिए बता देते हैं। इसका डाइमर आप कैसे बनाते हैं, CH3 होल थ्राइस, CH3 CH3 देन CH3, फिर एक AlCH3 CH3 CH3। तो बेटा सीधी सी बात है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो जब यहां पर ब्रिज बॉन्डिंग होगी तो ये ऑलरेडी एक जो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वही फर्दर शेयर होगा, यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड फर्दर शेयर होगा, और ये फर्दर शेयर होके यहां पर बनाना बॉन्ड जो जो आप कहते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वो बनेगा। तो ये सही है, जी हाँ ये सही है। BH3 हैज थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन द डायमेरिक स्ट्रक्चर, ये भी सही है। B2H6 ये भी आप स्कूल लेवल पे भी पढ़ लेते हैं, तो इसमें भी कुछ खास बात तो है नहीं। यहां पर भी H के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये अपनी जो ऑलरेडी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको फर्दर शेयर करता है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अगेन बनाना बॉन्ड थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। AlCl3 हैज थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ना ना, AlCl3 में नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये AlCl3 लाइक दिस AlCl3, ये लोन पेयर्स है ना इसके पास, सीएल के पास लोन पेयर्स है, तो वो नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ना कि अपने ऑलरेडी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को स्ट्रेच करते हैं, ऐसा नहीं करते, नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कुछ किताबों में थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोला जाता है इसको, मैं उसके साथ बहुत हद तक सहमत नहीं हूं, आपको मैंने लेक्चर्स के थ्रू भी ये बताया है, तो मैं इसको नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड मानना ज्यादा पसंद करता हूं, ठीक है, ओके। ए बी सी गलत है। नाउ द लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस, यस दिस आल्सो ट्रू, क्योंकि बोरॉन और AlCl3 दोनों ही बेटा क्या है, दोनों ही लुईस एसिड्स हैं, क्योंकि दोनों के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन अच्छा लुईस एसिड वही माना जाएगा जो बेस के साथ तगड़े बॉन्ड्स बनाए, ऐसी सोचना है, ठीक है, अच्छा लुईस एसिड उसी को माना जाएगा जो बेस के साथ तगड़े बॉन्ड बनाए, और तगड़े बॉन्ड तब बनते हैं जब ओवरलैपिंग अच्छी होती है, और बोरॉन के पास है 2p ऑर्बिटल, तो 2p ऑर्बिटल अंडरगोज बेटर ओवरलैपिंग देन 3p ऑर्बिटल, यू ऑब्वियसली नो बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, 2p साइज वगैरह छोटी है तो बेहतर ओवरलैपिंग करती है बेस के साथ, और इसलिए BCl3 को हम बेहतर लुईस एसिड मानते हैं। ये आंसर जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि BCl3 ज्यादा अच्छा लुईस एसिड है, और फिर उसके सपोर्ट में ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, तो अपने से कुछ दिमाग नहीं लगाना, ऐसे ही सोचना तो मैच कर पाओगे रिजल्ट के साथ। ABD करेक्ट है, ABD क्वेश्चन नंबर 30, ABD डन। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 31 इट सेज द ऑप्शन विथ ओनली एम्फोथ्रिक ऑक्साइड, एम्फोथ्रिक ऑक्साइड यहां पर हमको बताना है। अब देखो एम्फोथ्रिक ऑक्साइड की तो आपने लिस्ट पढ़ी हुई है, ट्रिक पढ़ा हुआ है, जनाबे अली वाला पूरा ट्रिक पढ़ा हुआ है, तो जिसमें सिर्फ एम्फोथ्रिक ऑक्साइड है, तो जनाबे अली गाय सुना करे, जनाबे अली का बेरिलियम,
और SN के दोनों ऑक्साइड, बिल्कुल सभी M4-3 हैं। ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट है, आपने जो ट्रिक पढ़ा है उसी से डायरेक्ट उठा लेना है। देन यहां पर क्रोमियम +2 स्टेट में, +2 स्टेट में क्रोमियम इज नॉट एम्फोथ्रिक, सो दिस डज नॉट कंटेन्स सभी एम्फोथ्रिक ऑक्साइड्स, तो ये नहीं है सही। एनओ तो न्यूट्रल हो गया, कहानी खत्म। देन जनाबे अली एंड देन लेड के +2 +4 दोनों ही एम्फोथ्रिक होते हैं, तो ये भी एम्फोथ्रिक है। नथिंग मच टू बी डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन एंड आंसर इज ए एंड डी, ए एंड डी आर द करेक्ट चॉइसेस। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द वन, यस उसके बाद सेक्शन 3 शुरू है। तो बेटा ये क्या क्वेश्चन है, देखो आई होप आपको दिख रहा होगा। सो दिस क्वेश्चन सेज दैट कंपाउंड पी एंड आर अपॉन ओजोनोलिसिस प्रोड्यूसेस क्यू एंड एस। ओजोनोलिसिस हो रही है, नॉर्मल रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, ठीक है, नॉर्मल डबल बॉन्ड तोड़ना है। एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C8H8O, क्यू अंडरगोस कैनिजारो, ये कैनिजारो रिएक्शन कर सकता है बट हेलो फॉर्म नहीं कर सकता, कैनिजारो कर सकता है इसका मतलब उसके पास अल्फा एच नहीं है और हेलो फॉर्म कर सकता नहीं कर सकता है मतलब COH3 ग्रुप उसमें नहीं है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये भी स्कूल लेवल की बात है बेटा, है ना। हेलो फॉर्म कैनिजारो का जो बेसिक है वो सिंपल बात है, तो मैं इसको आसानी बोलूंगा क्वेश्चन को। और एस में बात करी गई है कि वो हेलो फॉर्म कर रहा है बट कैनिजारो नहीं कर रहा है। अब मैं आपको ये नहीं बताने वाला यहां कि कैनिजारो क्या है, हेलो फॉर्म क्या है, वो तो आपको पता है, ठीक बेटा। यहां ना पिक करना पड़ेगा ऑप्शन से, क्योंकि ये बोला है कि सूटेबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। तो क्यू को क्या बोला है, कैनिजारो कर रहा है, हेलो फॉर्म नहीं कर रहा है। चलो मैं ऊपर छुपा देता हूं, इधर ऑप्शन अपने पास है। ये कैनिजारो कर रहा है, हेलो फॉर्म नहीं कर रहा है, ऐसा ही बोला ना, उल्टा तो नहीं लिखा मैं। क्यू अंडरगोस कैनिजारो बट नॉट हेलो फॉर्म, ठीक है, कैनिजारो कर रहा है, हेलो फॉर्म नहीं कर रहा है। और एस में उल्टा है, कैनिजारो नहीं कर रहा है, हेलो फॉर्म कर रहा है, और फॉर्मूला दोनों का C8H8O दिया हुआ है। तो चलो देखो, तो ये पी और आर का सुटेबल चॉइस आपको खोजना है। तो अगर ये P और R हैं तो चेक करना पड़ेगा, तोड़ दो यार, ये तोड़ दो। अच्छा, अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि यार एरोमैटिस्टी क्यों नहीं टूटी, बेंजीन का भी तो ओजोनोलिसिस हो जाता है, हाँ हो जाता है, लेकिन एरोमैटिसिटी तोड़ना लास्ट स्टेप होता है। जब कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है तब आप एरोमैटिसिटी तोड़ते हैं, अगर आपके पास दूसरे बॉन्ड्स हैं तो वो बॉन्ड को पहले कंपैरेटिवली पहले तोड़ा जाता है, एरोमैटिसिटी बाद में टूटती है प्रोलॉन्ग्ड ओजोनोलिसिस से। तो ऐसा अगर सवाल आए तो आप एरोमैटिसिटी तोड़ने मत बैठ जाइए, जो बाहर के जो डेलिकेट बॉन्ड्स हैं उनको पहले तोड़ा करिए, ठीक है। तो यहां पर ये तोड़ना है, तो ये तोड़े बेटा तो क्या बन गया, ये देखो बेंजीन CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये कार्बन तो बाहर हो गया, ये कार्बन बाहर हो गया। अब क्या ये क्यू अंडरगोस कैनिजारो, क्यू कैनिजारो कर रहा है और ये हेलो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो क्यू जो है बेटा पी से ही तो बना है ना, तो ये क्यू है, तो क्या ये कैनिजारो कर रहा है, हां। क्या ये हेलो फॉर्म कर रहा है, नहीं, ठीक है। क्या इसका फॉर्मूला C8H8O है, 1 2 3 6 7 8, हां है, C8H8O भी है। यहां पर अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये क्या बनेगा, अरे सिंपल है यार, बस इसको बना के चेक कर लेना है, कर लो इसको, ये एसिटोफिनोन बन गया, ठीक है। ये मेरा है एस, अब एसिटोफिनोन कैनिजारो करेगा, नहीं करेगा। क्या ये हेलो फॉर्म करेगा, हाँ COCH3 ग्रुप है तो हेलो फॉर्म करेगा, हेलो फॉर्म करेगा। फॉर्मूला सही है क्या, C8H8, हाँ 6 2 8, हाँ, तो ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। इसी तरह से यहां तोड़ के देखिए, इसी तरह से यहां तोड़ के देखिए, ये तो पी पूछ रहा है ना, तो ये पी है, तो ओजोनोलिसिस करा अपन ने, तो ओजोनोलिसिस करा तो क्या मिला यहां पर, ऐसा ये मिथाइल एंड दिस इज C डबल बॉन्ड ओ एच,
तो क्या ये कैनिजारो करेगा? हाँ करेगा। क्या हैलो फॉर्म करेगा? नहीं करेगा। क्या सी एट एच एट ओ है? सी सिक्स सी एट एच एट ओ भी है, तो ये भी ठीक है चॉइस, पी के लिए ये भी सही चॉइस है। अच्छा अब यहां पर अगर तोड़े, अगेन एसिटोफिनॉन बना और एसिटोफिनॉन हैलो फॉर्म करेगा, कैनिजारो नहीं करेगा, सी एट एच एट ओ भी है। अरे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आइए अगले ऑप्शन में, आइए अगले ऑप्शन में, अगला ऑप्शन क्या है? तो अगले ऑप्शन में पहले इसको उड़ाए तो यहां से उड़ाए, तो अगेन यहां पर ऐसा, यहां पर ऐसा, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो क्या ये कैनिजारो करेगा? बिल्कुल करेगा। हेलो फॉर्म नहीं करेगा, सी एट एच एट ओ है, हाँ है, तो ये तो ठीक लग रहा है। इसको देखा जाए, यहां जब आप उड़ाओगे तो एसिटोफिनॉन के साथ एक कार्बन और आ गया, सीधा सीधा दिख रहा है, तो एसिटोफिनॉन में 8 कार्बन थे, यहां तो 9 कार्बन आ गया, तो ये जो है ये आर को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो स्टेटमेंट ये तो पार्शियली करेक्ट हुआ, ये सही है ये गलत है, तो स्टेटमेंट को तो गलत ही माना जाएगा। देन कम्स द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यहां पर ये उड़ा दिए, अरे हो गया यार, वही बात है, रिपीट है, फॉर्मेलिटी कर देते हैं। चलिए कैनिजारो कर सकता, हेलो फॉर्म नहीं कर सकता, सी एट एच एट ओ है, सही बात है। यहां पे अगेन एसिटोफिनॉन में एक और मिथाइल डाल दिया गया है, तो ये गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो ए एंड डी आर द, सॉरी ए एंड बी आर द करेक्ट चॉइसेस, एंड आई विल रेट दिस क्वेश्चन एज एन ईजी वन। ये भी एक काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, मजा आया होगा होप आपको आज के इस सेशन में, काफी मजा आया होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमको मिले देखने को। इसी तरह से अगले लेक्चर पे अपन बात करेंगे इसका सेक्शन 3, एंड देन वी विल स्टार्ट पेपर ऑफ 2018। 2018 की केमिस्ट्री मुझे पर्सनली पसंद है, अच्छा क्वेश्चंस बनाया गया था, बढ़िया क्वेश्चंस थे 2018 के भी पेपर में, तो उसको भी करेंगे, हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा कि जितना बेहतर एक्सप्लेनेशन हो सकता है अपनी तरफ से आपको दूं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपनी तरफ से स्प्रेड करें, ठीक है, और ऐप के भी बारे में बताएं, अगर आप सीनियर हैं तो अपने जूनियर्स को ज़रूर बताएं, ठीक। तो इससे क्या होगा कि बेहतर चीज़ें ज़्यादा लोगों को मिल पाएंगी, बच्चों का भी फ़ायदा एंड ऑब्वियसली मेरा भी फ़ायदा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर दीज वीडियोज़।